लक्ष्मी दी, तूने देखा ना सब कितने परेशान है तेरे इस फैसले से। क्या से क्या हो गया है? और आगे भी हमने नहीं संभाला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। दी तू समझ रही है ना, सिर्फ मैं और शालू ही नहीं बल्कि वीरेंद्र अंकल, आयुष, दादी सब बोल रहे ना तुझे फैसला बदलने के लिए, तू क्यों नहीं सुन रही है फिर? राहू केतु, कैसी बहनी हो तुम लोग, बहनियों के दुश्मन। लक्ष्मी की शादी एक बार टूट चुकी है, अब इसके अच्छे कर्मों की वजह से इसका घर दोबारा बस रहा है, तो तुम दोनों इसको भड़का रही हो कि शादी नॉट डू, और ये मना कर देगी शादी के लिए। और लक्ष्मी तू ना इनकी बातों में बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। बात सब जगह फैल चुकी है कि तू बलविंदर से शादी कर रही है। नमस्ते बहन जी। अरे पंडित जी, आइए ना, आइए। शिट, वाह वाह वाह, बिल्कुल सही टाइम पे कम हुए आप। पता है, ये ना गुड न्यूज देने के लिए मैं आपको फोन करने ही वाली थी, पर आप खुद ही कम हो गए। मैं तो कहती हूँ आप ना बुढ़े होकर मरने वाले हो। हाँ हाँ, बड़ी लॉन्ग उम्र है जी आपकी। मेरी उम्र छोड़िए और काम की बात करिए। हाँ पंडित, पानी रहने दीजिए, आप काम की बात कीजिए। हाँ भाई, काम की बात ये पंडित जी की, गुड न्यूज ये है कि लक्ष्मी और बलविंदर की शादी तय हो गई है। और सुनिए पंडित जी। सुन लिया, अब चलता हूँ। नहीं सुना, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रही थी कि इन दोनों की शादी ना अब आपको ही करवानी है, और नेहा की भी शादी पक्की। जैसे यहाँ एक शादी हुई वहाँ नेहा की शादी पक्की, उससे पहले नहीं। अब चलता हूँ जी। मॉम, मुझे सपने तो दिखा रहे हो, लेकिन सच में मेरी शादी इतने बड़े घर में होगी ना? अरे होगी, जरूर होगी, तू टेंशन नॉट टेक। लक्ष्मी, अभी ना हमें शादी की शॉपिंग शुरू करनी पड़ेगी वेरी फास्ट। हाँ, अब पीछे हटना नहीं है चाहे जो हो जाए। और तुम दोनों, राहु केतु, अगर तुम दोनों को ये शादी ठीक नहीं लग रही है ना, तो डू एक काम, तुम दोनों शादी में आना ही मत। अंडरस्टैंडिंग? चाची आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो समझो, आप जानते हो ना कि वो बलविंदर कैसा इंसान है, फिर भी आप उसके साथ लक्ष्मी की शादी करवा रहे हो, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। अच्छा, मैं ठीक नहीं कर रही? अब तू मुझे सिखाएगी क्या ठीक है क्या नहीं है? ये ठीक नहीं है ना, तो तू ठीक कर, जा जा ले जा इसे और करा दे इसकी शादी उस ऋषि से, जा। जीजू से ही होगी दी की शादी। ओ माइंडलेस मेंटल लड़की, अगर शादी होनी होती तो तलाक की क्यों होता? और अभी तो ऋषि भी शादी करा है ना उस भूरी बिल्ली मलिष्का से, तो ऐसे ड्रीमिंग क्यों देख रही है जो पूरे नहीं होने? और नेहा, नेहा का क्या करूं मैं, उसके सपनों का क्या करूं? लार्ज घर में शादी करवानी है मुझे नेहा की, याद है ना वो पंडित जी करवाने वाले? छोड़ दू वो रिश्ता, मर्डर कर दू नेहा की खुशियों का, गला घोट दू उसके सपनों का, क्या करूं क्या? नहीं चाची। अरे मर गई तेरी चाची। एक बात ना अच्छे से लिस्टन कर ले, नेहा की शादी करने के लिए लक्ष्मी को शादी करनी ही होगी। चलो आइसक्रीम की बैगी तुम्हारी फेवरेट है। अरे क्या फेवरेट, फेवरेट चीजों और डी के लाइफ में इतना कुछ चल रहा है और तुम्हें आइसक्रीम की पड़ी है? हाँ, तू उन्हीं के लिए तो लेके आया था। अरे मेरे मतलब है दिमाग ठंडा करने के लिए लेके आया था ना शालू, अब दिमाग होगा चालू तभी तो कुछ कर पाएंगे ना शालू। नहीं आयुष, फट रहा है मेरा दिमाग, इतना गर्म है कि ये से तुच्छ आइसक्रीम से कुछ नहीं होगा। अरे तो क्या गर्म है तो क्या दुनिया में आग लगाओगे शालू, क्या कर रही हो यार? आयुष, मैं चाहती तो यही हूँ। क्या? दी की दुश्मनों को ना नर्क की आग में चला दूँ, जो भी दी की जिंदगी बर्बाद करना उन सब दुश्मनों। एक सेकंड, दुश्मन किसको बोल रहे? दुश्मन जो भी मेरी दी की खुशियाँ छीन रहा है उन सबको। तो शालू, क्या उन सबको बद्दुआ देने से तुम्हारी दी की खुशियाँ वापस आ जाएंगी? कैसी बातें कर रही हो यार? तो आयुष मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, कैसे दी की खुशियाँ वापस लाओ? कुछ करो, जस्ट डू समथिंग, अपनी दी की खुशियाँ वापस लाओ। कैसे? मैं कब से सोच रही हूँ कि, लेकिन मैं हेल्पलेस हूँ और तुम ही बोल रहे हो ना कुछ करो कुछ करो, तो मैं क्या करूँ? तुम ही बता दो वो कुछ क्या है। वो तो अभी मुझे भी नहीं पता शालू। तो बस आयुष, हम इस वक्त में सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, बद्दुआ दे सकते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरे साथ ना बद्दुआ दो, क्या पता हमारी बद्दुआ लग जाए तो दी की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए ना आयुष। नहीं शालू, बद्दुआ देने से कुछ नहीं होगा, हमें उस बलविंदर को रोकना पड़ेगा। कैसे रोकेगी उस बलविंदर को? तुम्हें पता है जब मैंने उसको पुलिस की धमकी दी तब उसने मुझे क्या बोला? क्या? भाई बस मुहूर्त निकलने वाला। हाँ शादी थे, अबे लक्ष्मी थे, झूठ क्यों बोल लूंगा मैं तेरे से? आना है शादी की तैयारी करनी, भाभी को लेके आप फुल नाचते हैं, दारू का इंतजाम पूरा। बंद रह गया बलविंदर, तुम बंदे हो क्या? तुम्हें नहीं दिखाई देता? अरे तू है शालू, मुझे कैसे पता तू आ रही सामने से? लक्ष्मी से शादी करने की खुशी में ऐसा पागल हो रहा, सबको फोन कर करके बता रहा तेरे से टकरा गया पता है? काश मेरी जगह बड़ी सी गाड़ी होती और तुम मुझसे टकरा जाते। फिर क्या होता? फिर एक साल हॉस्पिटल में रहते ना तुम, तो अपने आप दी को भूल जाते। मैं नहीं भूलता तेरी दी को, सपने आ रहे तुझे?
मैं तो पूरे दिन हर सांस के साथ उसका नाम लेता हूँ, माला जपता हूँ, लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, हर जगह लक्ष्मी दिखाई देती है। तू टाइम ना खराब कर, तू जा तैयारी कर ले, मैं भी तैयारी करूँ जाके। नहीं मत करो। क्यों? तैयारी मत करो, वैसे भी बेकार जाएगी तुम्हारी तैयारी, क्योंकि ये शादी मैं होने नहीं दूंगी। मैं पुलिस को बुलाऊंगी, वैसे भी ढूंढ रहे ना तुम्हें। ये काम ना करो, देख मेरी बहुत मेहनत करी मैंने लक्ष्मी शादी करने के लिए, देख मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है, देख पुलिस को मत बताइयो शालू, देख मैं तो ऐसे घूम रहा खुला सारे में तैयारी कर रहा, पर पता ही क्यों कर रहा मैं, क्योंकि पुलिस ने मुझे छूट दे रखी, मुझे बेल मिल गई शालू, पूरी बेल मिल रखी है एकदम, पुलिस ने कह रखा जा बल्लू घूम मजे कर, बेल मिल गई। हाँ तो तू तो क्या, तेरी चाची ताई मिलके कोई भी मेरी शादी रोक नहीं सकता, मेरी शादी होगी लक्ष्मी से। अब बताओ आयुष कैसे रोकू उसे, बेल मिल गई। कमेंट। प्रणाम साहब जी, प्रणाम। आपने आपने बुलाया, मतलब तो मैंने कोई गलती भी नहीं करी, मुझे आयुष से पूछा, आयुष ने सर, आयुष सर, हाँ मतलब आयुष सर से मैंने पूछा, मैंने पूरे रास्ते में इसने इन्होंने बताया नहीं क्या हुआ है, इतनी गुंडागर्दी करता है, क्रिमिनल बन गया, समझ तो गया होगा क्यों बुलाया तुम्हें। ना ना मुझे मुझे कैसे पता आपके दिल में क्या। बलविंदर, लक्ष्मी से शादी का ख्याल छोड़ दे। क्या बात कर रहे हैं आप, लक्ष्मी की शादी का ख्याल छोड़ दो, इतने साल नौकरी करी मैंने आपके यहाँ, मुझे लग रहा था मेरा घर बस रहा, आप खुश होगे, मेरे को इनाम दोगे, कुछ मिठाई उठाई बांटोगे, आप मेरी शादी ना हो, कुछ और मांग लो आप, एक काम करो दाढ़ी कटा दू, बाल कटा दू, कुछ कटा दू, ये काम नहीं होने का, शादी तो लक्ष्मी से ही होगी मेरी। ऐसा सुन, दिन रात उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब एक तरफा कर दिया, किसके खातिर, लक्ष्मी के खातिर, तो शादी ना करो लक्ष्मी से, पता क्या तुम्हें क्या क्या किया मैंने, क्या क्या साहब उसके लिए। सही साहब जी, मतलब मैंने अपनी जिंदगी दाव पे लगा दी उसके खातिर, अब टाइम आया उसके साथ जीने का, आप कह रहे छोड़ दो ना, ऐसा नहीं होना, बस प्यार किया तो निभाना पड़ेगा प्यार। यू ब्लडी रास्कल, यू क्रूक, कुंडे, लफंडा, टेररिस्ट, तुझे पता है प्यार क्या होता है, औकात मेरा वरना ऐसा गिराऊंगा ना बेटा, जमीन पे गिरा रहेगा, पता चलेगा कहां उठेगा कैसे उठेगा। ओ छोटे भाई, ओ हाँ। सुन जा पता मैं इज्जत से क्यों खड़ा यहां, क्योंकि साहब जी ने इज्जत से बुला रखा मुझे, ये तो तुझे पता है, बलविंदर सूद नाम है मेरा, बहुत सारे रंग है मेरे, और तूने अभी तक दो ही देखे, और देखने क्या, दिखाऊं? आजा चल दिखा, रंग दिखा। आयुष देखो साहब जी, मुझे पता आपको सुन के बुरा लगा, पर सच बात यही है कि अब लक्ष्मी से शादी होके रहेगी और कोई बीच में आ नहीं सकता, वो सारी बात छोड़ दो, अब तो उसने भी हाँ कर दी, और जब मियाँ बीवी राज जी तो क्या करेगा खाज जी, है नहीं, तो शादी होगी, शनाई बजेगी, मिठाई बटेगी, ठीक है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत कुछ रखूंगा मैं उसे, ऋषि भैया से भी ज्यादा, पक्का वादा है आपसे। पांच करोड़। हाय रब्बा, ये महारानी नीलम ने जहाँ टेल किया था उसके टेलने पर मैं यहाँ आ तो गई, पर अब अगर उसने अपने टंग से पलटी मारी तो, पैसे देने वाली थी पर किस चीज के पैसे देने वाली थी, ये तो टेल ही नहीं किया, समझ गया ना किसे देने। जी मैम। रब्बा ये तो उसी का फोन है, कहीं पैसे देने के लिए मना कर दिया तो। हेलो जी, नमस्ते जी, हाउ आर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। नीलम जी, आपने जहाँ बोला था मैं वहाँ कम हो गई, पर आप तो कहीं सी नहीं कर रही है। हमारा ड्राइवर आ रहा है आपके पास पैसे लेकर, और आपको काम क्या करना है वो हम अब बताएंगे आपको, आपको लक्ष्मी की शादी करवानी है, लक्ष्मी के मुँह से शादी के लिए हाँ करवानी है, ऋषि की जिंदगी से लक्ष्मी बहुत दूर हो जाए, ये आप करवाएंगे, आपकी जिम्मेदारी होगी, और इस काम के हम आपको बहुत से पैसे देंगे,
अभी जो हम भेज रहे हैं वो सिर्फ एडवांस है, एक बार शादी हो जाएगी तो और पैसे देंगे, इतने की आप गिन भी नहीं पाएंगे। नॉट वरी जी, मैं ना गिनने की मशीन मंगवा लूंगी जी। पर अगर लक्ष्मी शादी के लिए नहीं मानी तो? मतलब वो प्यार करती है ना ऋषि से। प्यार आपको किससे है? लक्ष्मी से, या जो लाखों आपको मिलेंगे उनसे? अगर आपको लाखों चाहिए तो पीछे मुड़कर देखिए, हमारा ड्राइवर पहुंच गया होगा अब तक वहां। आप वो एडवांस उससे ले सकती हैं अगर आपका जवाब हाँ है तो। हाँ जी, बिल्कुल है, अब लार्ज वाली हाँ है जी। अब आपका काम हो जाएगा, लेकिन बाकी की रकम काम होने के बाद जरूर दे देना। आप काम की फिक्र कीजिए, रकम की नहीं। ओके जी, वेलकम जी, बाय बाय जी। पहुंच गए तुम घर? अच्छा लिसन ना, देखो हम एक नई लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो अब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि हम कोई भी पुरानी बातें याद नहीं करेंगे। एंड प्रॉमिस मी कि तुम लक्ष्मी को कभी याद नहीं करोगे। मनुष्का भाई, कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, फाइनली आपकी शादी मनुष्का से हो रही, आई एम रियली रियली हैप्पी। हाय सोनिया। हाय ऑलरेडी, कांग्रेचुलेशंस मनुष्का। अरे वेट, या कांग्रेचुलेशंस भाभी बोलो। भाभी रोली? हाँ, मैं ननद बनने वाली हूँ तुम्हारी, तो भाभी बोलूंगी ना। कैसा लग रहा है भाभी सुनके? अब ऑब्वियसली अच्छा ही लग रहा है मुझे, लेकिन तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड भी तो हो ना, तो तुम मुझे मलिष्का बोल सकते हैं। व्हाटएवर सूट्स यू। ठीक है, चलो मैं दोनों बुलाऊंगी, कभी कभी मलिष्का, कभी कभी भाभी। ओके, बस तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ और लक्ष्मी की जगह ले लो। नो सोनिया, लक्ष्मी की जगह नहीं, वो जगह जो हमेशा से मेरी थी, इनफैक्ट लक्ष्मी ने मेरी जगह ले ली थी, अब मैं अपनी जगह वापस ले ली। या दैट्स ऑल्सो राइट, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ और अपनी जगह वापस ले लो। ओके, आई कांट वेट टू सी यू गाइस एज हस्बैंड एंड वाइफ। सेम हियर। चलो आप फोन रखो, भाई तो तुम्हारे पास लाइफ टाइम रहने वाले हैं ना, उनसे बाद में बात कर लेना, अभी मुझे बात करनी है। ओके बाय। हाय। अबे जंगली सुअर, लाल टपक रही तेरे मुंह से 5 करोड़ देख के, इस लाओ को साफ कर, दिमाग में एक बात घुसेड़ ले कि ये पैसे तुझे लक्ष्मी भाभी से दूर रहने के लिए मिल रहे, उनसे शादी ना करने के लिए, तो आज के बाद अपनी एक घटिया जुबान पे लक्ष्मी भाभी का नाम मत लाइयो जिंदगी में, वरना बेटा ये तो जो 5 करोड़ दे रहे ना, इन्हीं पैसों को यूज करके ना तेरी सुताई करवाएंगे, हड्डियां तोड़वाएंगे, कपड़े फटवाएंगे, जहां जाएगा ना कुत्ते पीछे भागेंगे तेरे, भिखारियों के पास जाएगा पैसे मांगने, भिखारी भी तेरे कान पे चाटा मार के तेरे को भगा देंगे वहां से, और जो शहनाई बजा बजा के दिखा देना तेरे कान में से सिर्फ वो शहनाई की आवाज आएगी, समझ रहे? समझ रहे, अंकल जी क्या बात कर रहे बड़े भैया, कैसी डरावनी धमकियां थे। हम कर सकते हैं ऐसा, लेकिन करना नहीं चाहती, इससे पैसे ले लो, दफा हो जाए यहाँ से, और अब इससे पहले हमारा माइंड चेंज हो, बल्लू बेटा निकल यहाँ से, चल आउट। 5 करोड़ देंगे तो खरीद लिया आपने बल्लू, बलविंदर सूद आपका है क्यों बड़े भैया? ये पैसे लक्ष्मी के लिए दिए हैं, उसकी जिंदगी से गंदगी हटाने की कीमत है ये। जिसके लिए भी दिए हो कोई दिक्कत थी, 5 करोड़ तो मेरी पॉकेट में आ गया, हम टेंशन ना लो अंकल जी, अब तो निकल रहा मैं, और बलविंदर सूद ऐसा गायब होगा गोली एकदम, जैसे गधे के सर पे सींग गायब हो जाते हैं ना एकदम। और सुन, सदा चलाकी मत करियो बल्लू, वरना ना ये गधा रहेगा ना गधे के सर पे सींग, नरक में जाएगा सीधा बल्लू, और मामा मना करेंगे ना तब भी रुकूंगा नहीं, अब मुझसे ना कंट्रोल नहीं हो रहा, निकल जा यहाँ से जल्दी से, वरना लक्ष्मी भाभी के साथ जो तूने किया है ना बल्लू, जितने दुख तूने उन्हें दिए है ना, तुझे आइडिया नहीं है मैं तेरे साथ क्या करना चाहता हूँ, अभी निकल यहाँ से, प्लीज निकल। गलत फहमी होगी भैया, आपको गलत फहमी हो रखी। ओम शांति। हाँ गुड्डू, मेरी जान के झल्ले कहाँ है तू? बल्लू मेरी जान, बहुत दांत फाड़ रहा, लॉटरी लग गई क्या? लॉटरी तो गुड्डू लॉटरी की अम्मा लग गई, सोच क्या है मेरे पास? क्या मिला तू सोचते हो, बार दिमाग पे जोर डाल के क्या है तो बता, कभी क्या है? साले कुछ कस के पकड़ ले बहुत तेज से, क्योंकि जो मैं बताऊंगा ना क्या है तू पलटी खा जाएगा, सोच। मैं पकड़ने का कुछ नहीं है, जल्दी बता क्या मिला, लक्ष्मी मिल गई क्या? लक्ष्मी है पर दूसरे वाली लक्ष्मी, पर पता कितनी? 5 करोड़। 5 करोड़ कितने हुए हैं? कहा था पलटी खा जाएगा, कहा था कि नहीं? 5 करोड़ है मेरे पास, मेरे तो हिसाब में भी गड़बड़ है, 5 करोड़ क्या
पांच करोड़ कहां से मिल गए तुझे? लक्ष्मी को छोड़ने की, लक्ष्मी की छोड़ने की कीमत दे दी मुझे। क्या मतलब तुमने लक्ष्मी को छोड़ दिया? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? लक्ष्मी तो सांस है मेरी, उसके बिना कैसे रहूंगा? लक्ष्मी छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा, लक्ष्मी छोड़ने का। तो पांच करोड़? पांच करोड़ वो पांच करोड़ तो मेरे अब बास्टर्ड, धोखा देने की सोच रहा था हराम खोर। शक तो तुझमें था ही कि तू धोखा ना दे दे, पर क्या है ना बल्लू, लक्ष्मी भाभी के लिए ना हम पांच करोड़ के अपनी पूरी दौलत उड़ाने के लिए तैयार है, इसलिए पैसों से खरीदने का रिस्क लिया तुझ पे। बट गलती हमारी थी, हम भूल गए थे कि तू कमीना है और तू कमीना ही रहेगा। यू आर राइट आयुष, गलती हमारी है, हमने सांप को दुबलाया। हमने सोचा बेईमानों का भी ईमान होता है, इससे कुछ पैसे लेकर ही अपना ईमान दिखा देगा, लेकिन नहीं, तेरे तो खून में बेईमानी है। खून में बेईमानी नहीं होती अंकल, खून सबका एक जैसा होता है, मेरा भी भैया। तकदीर सबकी अलग होती है, आपके पास अभी तक लक्ष्मी थी तो आपका भाग्य चल रहा था, अब लक्ष्मी मेरे पास आएगी अब मेरा भाग्य चलेगा, फिर देखते हैं। ये पांच करोड़ तो छोड़ो, 500 करोड़ कमाऊंगा, 500 करोड़ फिर आऊंगा आपके पास। आज तक क्या नहीं चाहिए? शालवानी प्लीज, मेरा भाग्य वैसे ही मुझसे नाराज है, और अब तुम दोनों भी अगर ऐसे करोगे तो। ओए, एक बात टेल कर, तुझे कल ही क्यों शादी करनी है लक्ष्मी से? हुआ क्या ऐसा? प्रलय आने से बचा रहा मैं। प्रलय? हाँ प्रलय, जो अच्छी है ना अपने, उन्होंने बोला शादी कर ले लक्ष्मी से और कल ही करनी पड़ेगी, नहीं तो प्रलय आ जाएगी, और प्रलय आ गई और दुनिया मर जाएगी। मैं पाप कर दूं, पापी हूँ मैं, दुनिया को मरने से बचा रहा मैं। ठीक, चमोट मारूंगी ना मैं तुझे, सबसे पहले प्रलय ना तेरे पर आएगा। नौटंकी करा है मेरे सामने, तुझे झेलना पड़ रहा है, पता नहीं लक्ष्मी कहाँ मर गई। एक बार प्लीज मेरी बात तो सुनो, मैं चुकी। लक्ष्मी, लक्ष्मी मर गई नहीं, क्या लक्ष्मी को मर गई? लक्ष्मी मर जाएगी, मैं विधवा हो जाऊंगा। लक्ष्मी मर गई, शादी हुई नहीं, अभी रिश्ता तय हुआ। लक्ष्मी शुभ शुभ बोल ले अगर सासू। हाँ तेरी सास नहीं हूँ मैं, नेहा मेरी बेटी है, उससे जिसकी शादी होगी ना उसकी सास हूँ मैं। तो नहीं अभी तो एक्स है मेरी। अच्छा सुनो, तो चलो कोई बात नहीं, कजिन वाली सास हूँ मैं, ठीक है अब तो ठीक है, चलो लक्ष्मी को बुलाओ। लक्ष्मी, 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 एक ना बहुत ही गुड वाली न्यूज है, तेरी तो दुनिया ही एक्सचेंज हो जाएगी, अरे मतलब बदल जाएगी, क्योंकि बलविंदर और तेरी शादी कल ही होगी। कल तो क्या, दी और बलविंदर की शादी कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं। ओ राहु केतु, फिर बीच में बोली तुम दोनों, और शालू तू, तुझसे पूछा क्या किसी ने जो बीच में टपक रही है? और ये क्या, मैं भी बोल रही हूँ कि दी की शादी गंदे आदमी से कभी नहीं हो सकती, समझे तो? ओ गुड़िया, ओ कहाँ से गंदा हो रखा, मैं नहा धो के आ रखा, सेंट लगा रखा, आगे देख सू। शालू तू ना इसे फालतू के पार्ट ना पढ़ाया करिए, क्या चला रही इसे, बिना बात की उंगली चाबी भर रही, शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी शादी, कुछ नहीं हो जाओ और गाना गाओ, शादी होगी, शादी होगी, मियां बीवी राज जी, क्या करेगी साली और क्या करेगा काज जी। चाची आप समझाइए ना इस बलविंदर को, मेरा मतलब है कि अब शादी कल कैसे हो सकती है, मतलब शादी में और भी रस्में होती है ना, जैसे हल्दी, मेहंदी, संगीत, तो ये सब तो होना चाहिए ना। ओए एक बात तो टेल कर, ये अचानक से रंग कैसे एक्सचेंज कर लिया तूने? ना चाची, रंग नहीं बदले, ढंग बदलेंगे इसके, है ना, इसे लग रहा था कि कल शादी हो जाएगी तो टाइम नहीं मिलने का शादी रोकने का, अब शादी अगर देर में होगी तो इसे टाइम मिल जाएगा शादी रोकने का, क्यों बात नहीं? क्या बोल रहे हो तुम लोग, क्या बकवास की जा रही है, तू थप्पड़ खाएगी अभी एक। भाग जाते हैं, तुम दोनों ना ये सब फालतू की बातें सोचना बंद करो, भगवान जी जो करते हैं ना अच्छे के लिए करते हैं, तो बस अब ये सोचना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना सब बस अच्छे के लिए हो रहा है, और अब बस बंद करो ये सब। भाग जाते, कहाँ जाएगी भाग के, कहाँ जाएंगे हम भाग के, कोई ठिकाना है? चाची है यहाँ, वो जैसी भी है हमारी अपनी चाची है, अपनी चाची अपनी है, बस खुद की बेटी की शादी अच्छे घर में, उसने तुझे क्या फेंक दिया, तुझे पता है ना, तेरी जिंदगी बर्बाद करी है उसकी बेटी के लिए, और तू उसे अपनी बुला रही है, कोई अपनी अपनी नहीं है वो। तो क्या हो गया, क्या गलत है इसमें,
माँ है वो, और एक माँ अपनी बेटी के लिए ही सोचेगी ना, तो उसमें गलत क्या है? बताना पड़ेगा क्या गलत है। दी अपनी बेटी के लिए सोच रही, उसमें उसमें कुछ गलत नहीं है, सोचे ना। पर हमारे लिए क्या सोच रही है, तुझे क्या समझ रही है, हमें क्या समझ रही है, ये तो गलत है ना। हम भी किसी की बेटी है, ऐसे कैसे कर सकते वो तेरे साथ। पर हमारी भी माँ थी, आज भगवान के पास है, लेकिन अगर नहीं होती तो हमारे साथ होती ना। और वो तुझे ऐसा सब करने देती? हाँ, चाची को ऐसा करने देती तेरे साथ? बाबूजी तुझे ये सब करने देते? बोल। मुझे अब और कोई बहस नहीं चाहिए। हाँ भाऊजी चले गए हमें छोड़ के। हाँ क्यों? हम यहाँ आ गए। हाँ क्यों? हाँ क्यों? हाँ क्यों? मेरा घर परिवार अलग हो गया, अलग हो गया। किस लिए हुआ, किसके लिए हुआ? हाँ क्यों? हाँ क्यों? मैं वापस यहाँ आ गया। भाग्य भाग्य सब लक्ष्मी भाग्य भाग्य। और अगर बलविंदर से शादी होना मेरे भाग्य में लिखा है तो वो शादी होकर रहेगी। उसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितना भी कुछ भी कर लो। नहीं यार, ये तो क्यों नहीं समझ रही है, भाग्य भाग्य भाग्य। अरे हम इंसान क्या है फिर, कठपुतली है, खिलौना है? हमारे कर्म भी तो कुछ होते हैं ना दी। और जिसने हमारा भाग्य बनाया उसने हमें दिमाग भी तो दिए ना, सोचने के लिए, समझने के लिए। सब कुछ भाग्य पे छोड़ देना कायरता होती है दी। कायरता हर वक्त नहीं रोक पाएंगे। ये उसकी डेस्टिनी है, उसके भाग्य में लिखा है। वापस कभी भी लक्ष्मी को इस घर में नहीं ला पाएंगे। आयुष, हमें ये बात मानना होगा कि ये उसकी डेस्टिनी है, उसकी शादी बलविंदर से ही होगी। नहीं, अगर ये लिखा नहीं होता तो मुझे बता कि मेरा और लक्ष्मी का डिवोर्स होता क्यों? ये बात समझ आयुष, बलविंदर के भाग्य में अब लक्ष्मी ही लिखी। पर कोशिश तो करनी पड़ेगी ना ऋषि भाई, सब हम कोशिश तो कर सकते। मामा ने भी कोशिश की ऋषि भाई, बलविंदर को 5 करोड़ रुपए ऑफर किए ताकि वो लक्ष्मी से शादी ना करे। वो माना? नहीं माना होगा। नहीं माना ना? नहीं। एग्जैक्टली यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आयुष तुझे मैं। बलविंदर जैसा इंसान जिसके लिए 5 लाख भी बहुत बड़ी रकम है, 5 करोड़ सुन के भी नहीं माना वो। इसका मतलब क्या है? डेस्टिनी ने उसका दिमाग घुमा दिया आयुष। यार ऋषि भाई जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, पर सब कुछ ये डेस्टिनी भाग्य पे छोड़ के तो नहीं बैठेंगे ना, कुछ तो हमें भी आज करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा ऋषि भाई, कल शादी है प्लीज यार। कुछ नहीं कर सकते, और मैंने भी ये बात एक्सेप्ट कर लिया आयुष की मेरा भी भाग्य यही है। तो अभी तो सो रही थी राइट? हाँ, पर नींद नहीं आई और मैं आशीष को मिस करने लगी, उससे मिलने चली गई, और अब भी वापस आई हूँ, बहुत टायर्ड हो गई हूँ, और इसीलिए आके पसर गया और तेरे मुंह पे हाथ लग गया। आई एम सॉरी मलिष्का, चल अब सो जाते हैं। हाँ श्योर राइट। आशीष टायर्ड तो होगी ना, आशीष से मिलके जाइए। व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू मलिष्का, इसके बीच में आशीष कहाँ से आ गया? क्यों नहीं आएगा वो? हाँ उसकी वजह से तू बाहर गई और आके मेरी नींद तोड़ दिया, मेरा सपना तोड़ दिया तूने। माय गॉड कट द क्रैप मलिष्का, क्या है तब से सपना 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 लगाते रखा है? तुझे पता है ना तेरा सपना अगर सच हो रहा है तो सिर्फ मेरी वजह से, तेरे और ऋषि की शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रही है, तो शट अप ओके। एक्सक्यूज मी बिहेव यरसेल्फ, डू यू गेट इट? ऋषि से मेरी शादी हो रही है क्योंकि ऋषि मुझसे प्यार करता है, समझी तू? यार राइट, यू नो व्हाट, फॉरगेट इट, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है और मुझे अपना मूड स्पॉइल नहीं करना है। मलिष्का जस्ट फॉरगेट इट और सो जाते, मैं सोने जा रही हूँ, तू भी प्लीज चुपचाप सो जा, उसके बाद जितने सपने देखना है ना देख ले। गुड नाइट। अगर वही सेम सपना नहीं आया ना सोना, तो तू देखना तेरे साथ क्या करती हूँ। अरे क्या हो गया, ऐसे देख रहे हो जैसे भूत देख लिया हो। अब तो तुम भूत ही बन जाओ क्योंकि अब कोई शादी नहीं होगी। क्या थोड़ा शुभ शुभ बोल ले, दिमाग खराब है क्या तेरा? चाची से पूछ लो, चाची की ममता जाग उठी है, ये समझ गई है कि अगर दी की शादी उस गुंडे बदमाश बलविंदर के साथ हुई ना तो दी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वो खुद कह रहे हैं कि दी की शादी में कैसे करवाओ। मुंह से ना कुछ अच्छा बोल ले, पता नहीं क्या बोलने जा रही। और चाची क्या ड्रामा है?
कुछ नहीं, वो बस आज थोड़ा दिल भरा है मेरा। बेटी की विदाई है ना, अच्छा अच्छा ये बात है चाची। पर चाची अभी अभी तो आपने अभी क्या, अभी बस यही है जो है ये अभी, अंडरस्टैंडिंग? गुड्डू तू जा, वैनिश। चाची आप ये शादी नहीं रोकेंगे? अरे क्यों रोकू मैं, अभी तूने ही तो कहा ना कि मेरी ममता वेकअप हो गई, तो अब एक माँ एक बेटी की शादी कैसे रोक सकती है भला? मुकेश, मुकेश अंदर ले आ लक्ष्मी को। लक्ष्मी अभी आइए ना, आइए। वो अंदर नहीं आएगी। ये क्या कह रही हो तुम? भले ही घर छोड़कर गई है वो, अब भी मेरी बेटी है। देखिए वो अंदर आएगी, जरूर आएगी। पर आप हाथ छोड़ दो, सबके सामने तमाशा मत करना प्लीज। लक्ष्मी आई है, अब ये मनुष यहाँ क्यों आई है? कौन सी नई मुसीबत लेकर आई है? मेरा बच्चा। अंदर आ, रानू आ तो भी। लक्ष्मी बेटा। हाँ ना। पल प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी तरह इस शादी को रोका जाए। क्यों ये बात करवाना चाहती है मुझसे? बाबूजी हूँ ना मैं तेरा, बाबूजी होके भी मैं अपनी बेटी को नर्क में कैसे धकेल सकता हूँ? क्या नर क्या स्वर्ग, अब जो भी बचा यही है। मैं बस चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे तो मेरे लिए जीना थोड़ा आसान हो जाएगा। बस इसीलिए मैं चाहती थी कि आप, पर मैं आपको मजबूर नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ थोड़ा दुख होगा कि खाली हाथ इस चौखट से वापस लौटना पड़ेगा मुझे। तू समझ क्यों नहीं रही बेटा? मैं क्या कोई भी बाप ऐसा नहीं कर सकता, नहीं करेगा। क्यों इस धर्म संकट में मुझे डाल रही हो बेटा? डोंट प्लीज, नहीं प्लीज। भाभी वेट प्लीज, मैं जानती हूँ कि आप इसे बहू बेटी तो छोड़ो, आप इसे घर की नौकरानी भी नहीं समझती, पर आज मौका है। ये कन्यादान करके इससे लाइफ टाइम के लिए मुक्ति मिल जाएगी। बस ये समझिएगा कि पूरी नजर का हार फेर करने के लिए कर रही है आप ये कन्यादान। भाभी देखिए, एक बहुत बड़ी बात भी होगी कि आप वहां होंगे ना, तो यू विल मेक श्योर कि ये शादी हो जाए, क्योंकि मुझे ना इस लक्ष्मी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आई मीन लास्ट मोमेंट में वो पलट गई तो? ये जो लोग होते हैं ना जिनकी औकात नहीं होती, उनका ईमान धर्म कुछ नहीं होता, जुबान तो बिल्कुल कुछ नहीं होती। तो अगर आप वहां पे होंगी ना, तो कन्यादान के बहाने ये शादी हो जाएगी, आपके डर से ये शादी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपका आशीर्वाद मांगने आई थी, आपको धर्म संकट में नहीं डालना था मुझे। मैं चलती। रुको, हमारी चौखट पर कोई कुछ लेने आए, कुछ मांगने आए और खाली हाथ चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता, बशर्ते उसके हाथ लेने के काबिल हो। आपकी जिद थी ना इसे अपनी बेटी बनाने की, ये उसी जिद का नतीजा है। पर हम नहीं चाहते कि आपको पछतावा हो कि आपकी चौखट पर कोई कुछ मांगने आया और खाली हाथ चला गया। इसलिए आप वही कीजिए जो आपको करना चाहिए। जब करना था तब क्या होता? तो अगर मैंने उस वक्त कुछ किया होता तो मेरी बेटी आज चौखट के उस पार नहीं, यहां होती, यहां घर के अंदर। पर इसने मेरा आशीर्वाद मांगा है अपनी ताकत के लिए, तो बेटा हाँ करूंगा मैं तुम्हारा कन्यादान।
छोड़ रहा क्यों इतना बता दे, इतना बता दे इश्क खुदा तो फिर है जुदा क्यों इतना बता दे, इतना बता दे राह दिखा दे यार एक बना दे कि ये गम की शाम ढले आ जा वो सब सही भी तो है ना, तुम और लक्ष्मी दोनों अलग हो चुके हो, यू गाइस आर नॉट टुगेदर एनीमोर, वो अब तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम उसे क्यों नहीं भूल जाते हो ऋषि, यू लव मी ये जा चुकी है, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तुम लक्ष्मी से प्यार नहीं करते हो, ऋषि क्यों नहीं भूल रहे हो उसे यार, निकाल के फेंक दो ना उसे, why why can't you just do it, भूल जाओ ना, नहीं भूल सकता मनुष्का, नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता, मैं जानता हूँ मैं और लक्ष्मी अभी इस वक्त साथ में नहीं है, लीगली हमारा डिवोर्स हो चुका है, लेकिन मैं नहीं भूल सकता उसे, क्योंकि वो अभी भी मेरी दोस्त है, दिल से दोस्त मानता हूँ उसे मैं, पर मैं मतलब मैं कौन हुआ, कौन हूँ मैं, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में कुछ कुछ फील ही नहीं करते हो, हर समय से लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, मेरा क्या, ऋषि जो तुमने लक्ष्मी के साथ किया, उससे शादी करके उसे छोड़ दिया, तो वो मेरे साथ तो नहीं करोगे ना, गुड ऋषि बंद कर दो इस ड्रॉर में लक्ष्मी की यादों को हमेशा के लिए, अरे ये रुक क्यों गया भाई, सब कुछ आपके हाथ में है, आप और लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी के लिए कुछ बोलना था ना, तो बोलो ना आइडियट, चुप क्यों हो गए, हो या मेरे सामने कैसे बोलोगे, आई थिंक आई शुड लीव नाउ, आई एम श्योर कुछ सीक्रेट डिस्कस करना होगा, आई मीन बिजनेस सीक्रेट, राइट आयुष, या आई विल सी यू ऋषि, बाय ऋषि भाई, आप समझ नहीं रहे हो, आप और लक्ष्मी, मेरी चाची आ गई, मेरे पेरेंट्स आयो, चाची है, आ गई चाची मेरी, हाँ हाँ तो मुझे कौन सा दुल्हन बनना है, मैं तो बन के बैठ गया, दुल्हन बताओ कैसा लग रहा है, कपड़े तो तेरे बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतना लंबा करा तुमने, कपड़े अच्छे लग रहे हैं, मैं कैसा लग रहा, मैं हीरो लग रहा है, लग रहा बताओ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ। मुझे आज कोई अपशगुन नहीं चाहिए, गुड्डू एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, चाची जी तेरी नजर तो उतार दूं मैं, हाय मेरा बेटा, ये ले तुझे काला टीका भी लगा दो, नजर ना लगे तुझे किसी की, गरीबों बांट दीजा, कल की दारू का जुगाड़ हो गया, मतलब देख बाहर दान देगा, मैं अपने आप को ही दान दे रहा ना, मेरे से बड़ा गरीब कौन है, फिर ये भी रख ले, अल्लाह चलो चलो चलते चलते जल्दी, चलो चलो तो भगवान सब अच्छे से कर दियो आज बस, चलो 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 वाहेगुरु, बैंड बचेगा, कहाँ जा रही, लद्दाख जाओगी थाली लेके तुम भी, क्या चाची तुम रखो इधर, क्या थाली को, खुशी के मारे मैं तो भूली गई, मुझे पता मेरी शादी खुशी में, मेरी चाची ज्यादा खुश हो रखी, तुम्हारी करानी क्या दूसरी शादी, अरे अरे मूर्ख क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, अब शगुन कराएगा क्या, उल्टा पैर क्यों रख रहा है, पहले सीधा पैर रख, सब शुभ भी शुभ होगा, अच्छा ही अच्छा होगा, जिंदगी बचा ली तुमने मेरी, तेरे में इतनी अकल है, अब पैसे गिनना था मैं, अब देखो मुझे कुछ अपशगुन नहीं चाहिए, आज हम यहाँ से जाएंगे अकेले जाएंगे और दुकेले आएंगे, लक्ष्मी को साथ लेके, और सुनो घर में आते ही गृह प्रवेश करेंगे, घड़े की खोपड़ी पे लात मार के सारे चावल भी घेर दूंगा, चलो आ जाओ
चल सीधा बैठ, जय माता की। प्लीज जाओ, जाके तैयार हो जाओ ना तुम दोनों। हम क्यों तैयार हो, हमें कहीं जाना ही नहीं है। हमारे लिए शादी कोई मायने नहीं रखती थी, हमें नहीं जाना। हाँ तो मत जाओ, ऐसे शुभ दिन पे मनहूस बातें कर रही हो तुम लोग। और वैसे भी कौन सी तुम्हारी शादी है जो तुम्हें तैयार होना है? हाँ मत आओ, कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मी तुझे ना वहीं जाके तैयार होना है, बलविंदर ने कहा था कि दूसरा जोड़ा वहीं मिल जाएगा। हाय एवरीवन, कैसी लग रही हूँ मैं? हाय रब्बा, कितनी हैंडसम लग रही है। ब्यूटीफुल मॉम। हाँ वही, पूरी फूल लग रही है, फूल। मॉम जाने दो, साइड दो अभी। अरे क्या 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 कर रही है? स्माइल मॉम। अरे सेल्फी वेल्फी छोड़ ना, शादी में जाना जरूरी है समझे, वहां पे जाके कर लेना सेल्फी वेल्फी जो लेनी है वो। चल ना अभी, प्लीज चलो ना तुम दोनों। तुम दोनों वहां मेरे साथ रहोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। हम दोनों तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए देखे, ये देख के तुझे खुशी मिलेगी? हमसे नहीं होगा ये दिल। तुम बानी तो तुम दोनों को चलना ही पड़ेगा। प्लीज चलो, वरना मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। जैसे जैसे लक्ष्मी की शादी का वक्त नजदीक आ रहा है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है कि लक्ष्मी बलविंदर जैसे इंसान से क्यों कर रही है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ही तो कर रही है, हमारे बेटे के लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए। अच्छा ही है ना, लक्ष्मी का नाम हमारी जिंदगी से, ऋषि की जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मतलब कहीं तुमने तो, एक्सक्यूज मी, आप हम पर, हम सिर्फ इतना चाहते थे कि लक्ष्मी हमारे घर से निकल जाए। अब उसके बाद वो किसके साथ रिश्ता बनाती है, क्यों बनाती है, आई डोंट केयर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। उसकी शादी की फिक्र हम क्यों करेंगे? पर जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। अगर कोई उसके साथ चालें चल रहा है या उसे फंसा कर उसे शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है तो वो और भी गलत कर रहा है। जरा सोच के देखो, कहां लक्ष्मी और कहां वो गुंडा बदमाश बलविंदर, कैसे गिरे हुए इंसान के साथ बेचारी को शादी करनी पड़ रही है। किस्मत है मम्मी जी, किस्मत के आगे ना ही तो आप कुछ कर सकती हैं, ना ही हम और ना ही कोई और। और लक्ष्मी, लक्ष्मी तो वैसे ही मनहूस है, जिसकी जिंदगी में जाती है उसे बर्बाद कर देती है। अब देखिए ना, उसकी मनहूसियत ने उसकी खुद की जिंदगी को बर्बादी की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया। नहीं, लक्ष्मी है वो, और लक्ष्मी भाग्य इतना गलत नहीं हो सकता। और अगर भूल से भी गलत है तो मैं बापा से प्रार्थना करूंगा कि उसका भाग्य बदल दे। हाँ सच में बापा ही कोई चमत्कार करते हैं। चमत्कार? What a nice name, चाची। हाय अल्लाह, आपकी स्किन तो कितनी ग्लो कर रही है। आप तो चाची नहीं हो, आप तो चिकनी चाची हो। वो क्या है ना, मेरे भतीजे की शादी है इसीलिए। ओ, पर तुम कौन हो? मैं मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो मैं, मेरा बड़ा नाम है, मैं मेकअप का नहीं हूँ, दुल्हन का। मैं बड़े बड़े फिल्मों में, ऐसे मेकअप करती हूँ हर जगह। सच्ची? बड़ी बड़ी फिल्मों में? फिर तो तुम यहाँ पे गलत जगह पे आ गई हो। नहीं नहीं, मैं गलत जगह पे नहीं आई हूँ, मुझे बुलाया है वो बलविंदर कमीने ने। बलविंदर कम नहीं है, बलविंदर कम नहीं है तो उन्होंने मुझे बुलाया। वो दिखते लफंडर से हैं पर जान पहचान बहुत दूर दूर तक है उनकी, बड़ी बड़ी फिल्मों में हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया दुल्हन के मेकअप के लिए। ये देखो,
अच्छा अच्छा ठीक है, पर अच्छे से मेकअप करना है उसका, समझी? मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, मेरे को बताओ, आप चाहते हो आपका कर दूँ? हाय, क्या बोली तू? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ चाची कि अगर मैं आपका मेकअप कर दूंगी तो आप तो दुल्हन से भी ज्यादा माशाल्लाह खूबसूरत दिखेंगी। बताओ इस उम्र में भी मुझे दुल्हन बनाएगी तो? हाय बताओ मुझे दुल्हन बनाएगी है, हे भगवान। और वो नहीं रुकने की, और आप तीनों ना यहाँ शादी रुकवानी आ रखे। हाय मैं डेथ हो गई, क्या कर क्या रही ये लोग, जैसे लुच्चा लफंगा बदमाश चौंकी मंकी बलविंदर वैसी इसकी दोस्त, हमेशा फाइटिंग के लिए तैयार, डॉगीज कहीं के। चाहता तो यही हूँ कि शादी रोक दो। अरे ओ क्या क्या कर रहे हो तो? तुम अरे ये आज के हमारे चीफ गेस्ट है, हमने इनको इनविटेशन दिया है। पहली बात तो लोग भी नहीं हूँ मैं, ठीक है, और ये ना शादी रुकवाना रखे हैं। अरे नहीं रुकेंगे डोंकी कहीं का, अरे ये गर्ल डोनेशन करने आए हैं, अंग्रेजी नहीं आती ना, एड्रेस था बल्लू का दोस्त है ना अनपर गवार, अरे कल डोनेशन मतलब कन्यादान करने आए, लक्ष्मी ने खुद बुलाया इनको यहाँ पर, निकल वरना बल्लू को बुला लूंगी फिर वो ही तेरा सुसाइड करेगा। वैनिश लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम्हारे लिए कुछ बोल क्यों नहीं रही है, लक्ष्मी कुछ बोलेगी, तब से मैं तुझसे टेलिंग कर रही हूँ तू बोल ही नहीं रही है, लक्ष्मी। अब चाची वो बात नहीं कर रही है, वो हमसे नाराज है ना, इसलिए। हमसे नहीं तुमसे, तुम दोनों बहनों से नाराज है, तुम दोनों इसकी शादी रोक रही थी ना, अरे पर तुम दोनों का गुस्सा ही मुझ पे क्यों टेक आउट कर रही है? जजमान आपका गोत्र क्या है? क्या आपका गोत्र क्या है? एक मिनट रुकिए, क्या है शादी है और क्या है, आओ ये पंडित क्या पूछ रहा है मेरे से, मुझे नहीं पता, जल्दी आओ तुम यहाँ पे, तुम धुनी रमारी कहीं? धुनी रमाई तू और तेरा बाप, मैं मेकअप करा रही हूँ। मेकअप कर रही, तुम्हें क्या जरूरत है मेकअप की, तुम विश्व सुंदरी हो, मिस वर्ल्ड हो तुम, तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही, तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे शादी हो रही है तुम्हारी, तुम मेकअप कर रही। मेरी मर्जी, मैं स्लीपिंग टाइम भी मेकअप करा के सोती हूँ, तुझे क्या? तब भी नागिन लगती हो क्या? क्या बोलो, मतलब मैं कह रहा मेरी किस्मत हो जाएगी तुम्हारे चक्कर में, तुम एक काम करो यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें पता है ना शादी होगी तो लाखों रुपए मिलेंगे, लाखों रुपए मिलेंगे तो जाना रोज पार्लर, जो करना कर लेना, यहाँ पे आओ ना जल्दी। बलविंदर का बच्चा, अच्छा बहुत अच्छा है ना बलविंदर, कॉलिंग बलविंदर मे गोइंग, तेरी वजह से मैं मेकअप भी नहीं कर पाई, तू अच्छे से कर लेना। हे,